जेनी म्यूजिक स्टूडियो नागा। बोले सतगुरु भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सत्संग बनावे जहां महापुरुषों की, संत समाज की। बड़ी भाग्य की बात है सर, जो कार्यकर्ता ने सब सज्जनों का एक यहाँ कुंभ भरवा दिए इस पावन भूमि पे, ऐसे महापुरुषों ने जब कोटि कोटि प्रणाम है, कि धर्म के अवतार हैं, सब संतों का दर्शन करवाना बहुत दुर्लभ की बात है। सत संगत में चाननो सतसंगत में चाननो जग अंधियारो जान, जैसे अलू के ब्रह्म से उगते दी के निभान, उगते दी के निभान। राम चरण रुल जावता है, राम चरण रुल जावता या मिलती नहीं सत्संग, कटिन त्याग वे राग को गुरु लगायो रंग, गुरु लगायो रंग उतरायो उतरे नाई, दीनो आत्म ज्ञान रंग्यो रेणी के माई। कुछ कचाई ना रखी बरती नहीं कुसंग, राम चरण रुल जावता मिलती नहीं सत्संग, सतगुरु मेरे करी मुझ ऊपर दीन से नसला, आहा दीन से नसलानी। आ
दिन से नसलानी, आहा दिन से नसलानी। आ कर दर्शन सुरता पस भाई, कर दर्शन सुरता पस भाई। सतगुरु बाण शब्द का मारा, घायल हो ये गिरानी, आहा घायल हो ये गिरानी। आ सतगुरु बाण शब्द का मारा, घायल हो ये गिरानी, आहा घायल हो ये गिरानी। उडमारी नींद सपन में जाग्यो, उडमारी नींद सपन में जाग्यो। आत्म मन तीन अवस्था गुण में ब्रह्मस जीव बुलानी, आहा ब्रह्मस जीव बुलानी। आत्म मन तीन अवस्था गुण में ब्रह्मस जीव बुलानी, आहा ब्रह्मस जीव बुलानी। जनक राज मिला गुरु पूरा, मेट ब्रह्म विकारा, आहा मेट ब्रह्म विकारा। ओ जनक राज मिला गुरु पूरा जी, मेट ब्रह्म विकारा, आहा मेट ब्रह्म विकारा। आ सुखदेव मेरे सत्संग की, सुखदेव मेरे सत्संग की।
बोली दाता दयाल भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अब हम सत्संग की गम जानी कर सत्संग रेवो गुरु चरणा और मैं पाऊं पद निर्वाणी। अब हम सत्संग की गम जानी सतगुरु मेर करी मुझ ऊपरे दीनी सेन और सेलानी कर दर्शन प्रश्न भाई सुनता और घट में गंगा पानी। अब हम सत्संग गम जाने सतगुरु सतगुरु बाण शब्द को मारियो घायल होई गिरानी यानी कुमती ऐसे सत्य को मान बैठी थी तो उनके शब्द लागने से वो गिर गई। सतगुरु जी के शब्द से वो कुमतिया ने गिर गई और उनके मुद्दे शुद्ध बोधि प्रकट हुई। सतगुरु मान शब्द का मारिया घायल हुई गिरानी उड़ी मारी नींद में सपन मा जागियो और ये काटी नींद निशानी कई जन्मा की मेरे अंदर अज्ञान की नींद थी मैं अज्ञान में सुता था। ये कुटुंब परिवार मेरा है ये सब कुछ मेरा है ये शरीर भी मेरा है मैं शरीर में हूँ मैं शरीर हूँ। भाई तू शरीर नहीं है ये तो जड़ है तू तो चेतन है तू जड़ नहीं है पर तू ये ज्ञान से मान रखा है कि मैं वो हूँ। फिर तन मन तीन अवस्था गुण में और ये ब्रह्म से जीव बुलानी एका मैनो जीव ब्रह्म में अज्ञान में अंधकार में प्रवेश हो रहा है। तन मन तीन अवस्था गुण में ब्रह्म से जीव बुलानी यानी कि ब्रह्म के अंदर अब सतगुरु जी महाराज अपन पिल पार करें तन मन तीन अवस्था यानी जागृत स्वप्न सुषुप्ति के मैंने जीव भ्रमण कर आपके आ जाओ तो जब ये जीव सतपुरुषों की शरण में नहीं जाएंगे जब ये 84 का चक्र में पड़ा रहे और ये जीव अज्ञान के मैंने भ्रमण करते रहेंगे जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था क्या है 14 त्रिकुटी का नाम 14 त्रिकुटी का नाम जागृत अवस्था है 14 त्रिकुटी का नाम ही जागृत अवस्था कहलाती है जिसमें 42 तत्व के मैंने प्रक्रिया होती रहती है। अब उनको भिन्न भिन्न कर जाने 14 त्रिकुटी को जानना फिर अब प्रमाण हुए जागृत अवस्था में जीव का स्थान वाचा भोग शक्ति गुण उसका नाम क्या है शिष्य यानी गुरु जी प्रार्थना करता रहता है। जागृत अवस्था में जीव का स्थान वाचा भोग शक्ति गुण उसका नाम क्या है तो गुरुदेव उन शिष्य को समझाते हैं। महाराज जी थोड़ा सूक्ष्म में समझाओ इसको। देखो विषय चल रहा है भजन के माध्यम से बोल रहा हूँ विषय नहीं काट रहा हूँ मैं जो वजन के समय ज्यादा हो जाएगा संत लोग बहुत पधारे हुए हैं जो ये गीत गाने से कुछ थोड़ा प्रभाव पड़ेगा जो आखिरी उम्र गई रहे हैं थोड़ा कुछ ये जो विषय चल रहा है तो विषय को बोल रहा हूँ मैं तो विषय तो बोलना पड़ेंगे ना जो सुखदेव महाराज जी ने जो विषय दिया है वही आप संतों का विषय हम अलग नहीं बोलते आपसे। हाँ ये तो सत्संग में तो समझने के थे गाने में क्या गीत गाते रहेंगे जी जी महाराज हुक्म हुक्म हाँ आगे बढ़ो सर। तू जागृत अवस्था में जीव का स्थान वाचा भोग शक्ति गुण उसका नाम क्या उनकी क्या पहचान है। जागृत अवस्था में जीव का स्थान नेत्र स्थान है बेकरी वाचा है शतुल भोग है करिया शक्ति है और रजोगुण है। शतुल शरीर का अभिमानी होने से जीव को नाम क्या पड़ गया विश्व इसका नाम क्या पड़ गया विश्व
फिर शिक्षण प्रमाण के योग है गुरुदेव, जागृत ये होगी तो सपन अवस्था से क्या है गुरुदेव। जागृत अवस्था में जो पदार्थ देखे सुने और भोगे उनका संस्कार हिता नाम की नाड़ी जब खंड विषय है उसमें पांच विषय का ज्ञान प्राप्त होता है सो सपन अवस्था कहलाती है। गुरु जी सपन अवस्था में जीव का स्थान वाचा भोग शक्ति गुण उसका नाम क्या है गुरुदेव। तो गुरु जी के बेटे सपन अवस्था में जीव का स्थान खंड स्थान है मधमा वाचा है ज्ञान वासना ज्ञान ज्ञान वासना में भोग सपन वासना में भोग है और सुप्त गुण है और ज्ञान शक्ति है और जो ज्ञानी सपन अवस्था का अभिमानी होने से जीव को नाम यानी तेजस नाम पड़ गयो। चलो गुरु जी सस्वपति अवस्था से क्या है गुरुदेव। जब मनुष्य गाड़ी निंद्रा से उठता है तब कहता कि मुझको कुछ भी प्रतीत नहीं हुआ है, मैं कहां सो रहा हूं, मैं कहां सो रहा हूं, मुझे कुछ भी पता ना रहा, मैं बड़े आनंद में सोया हूं। इसी प्रकार आनंद में कोष का नाम सस्वपति अवस्था है। गुरु जी सस्वपति में जीव का स्थान वाचा भोग शक्ति गुण उसका नाम क्या है गुरुदेव। सस्वपति में जीव का स्थान हृदय स्थान है, पसंती वाचा है, आनंद भोग है, द्रव्य शक्ति है और तमोगुण है और कारण शरीर का अभिमानी होने से ही नाम इस जीव का नाम यानी प्राज्ञ नाम पड़ गए यानी ब्रह्म के झाड़ में पसरा है, परम के झाड़ में पसरा है। अब सतगुरु जी तुरीय पद पे पहुंचाते हैं, चौथा पद से भी गुरुदेव उनको पांचवा पद पे पहुंचाते हैं, पांचवा पद को भी छुड़ा के गुरु छठा पद पे पहुंचाता है। जब जाकर डिक्लेयर होता है गुरु जी अब मेरा कल्याण हो गया है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, जीव नहीं हूँ, उनको भान हो जाता है तो वो सदा के लिए परे हो जाता है, वो सत्य में जाके समाप्त हो जाता है। सत्य का सुंदर ना सत्संगी है। जय हो सर, क्या बात, भोले सतगुरु भगवान की जय हो। महाराज हम तो प्राइमरी लेवल के आदमी है, हमारी जिज्ञासा है बहुत छोटी है, हम चाहते हैं कि हमको मिडिल सेकेंडरी हायर सेकेंडरी कॉलेज का ज्ञान न होकर के शुरू से थोड़ा प्राथमिक ज्ञान से शुरुआत करें। धन्यवाद महाराज आपको। अब आगे मैं बुलाता हूँ देवाराम जी,